सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमावत। और जैसा कि विद्या फर्स्ट पर आपने मेरे वाइवा के वीडियो देखे होंगे, तो काफ़ी लंबे अरसे बाद वापस मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वाइवा फॉर क्लास 11th अकाउंटेंसी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। कम इन। यस, कम इन, सिट डाउन। थैंक यू सर। यस, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज अनुराग पटेल। Okay, Anurag, tell me something about yourself. My name is Anurag Patel. I study in grade 11 commerce system. The name of my school is Prem Gurukul International School. Well, dear student, what is journal? Journal. A journal is a book in which Will you call the transactions? A journal is a book in which we record the transaction in chronological order. Okay. Well, what is the difference between bookkeeping and accounting? Bookkeeping and accounting. The difference between bookkeeping and accounting is accounting has 7 characteristics. Bookkeeping has 4 characteristics. Accounting is prepared to see the net effect of business. Bookkeeping is prepared to see the income of business. Actually, मुझे आप बुक की जो आंसर है वो मत दीजिए, बताइए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जनरली डिफरेंस क्या है। आप सीधे सिंपल शब्द में बताओ कि भाई कि सर ये काम हम कर रहे हैं तो बुक कीपिंग का काम है, और ये काम यदि हम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का काम है। सर, अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो भी बिजनेस करते हैं उसमें हमें कुछ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करना होता है, तो अकाउंटिंग हमें इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, योर गुड नेम? माय नेम इज करुणा पटेल। करुणा, करुणा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम करुणा पटेल फ्रॉम क्लास 11 कॉमर्स एंड माय स्कूल नेम इज प्रेम गुरुकुल इंटरनेशनल एकेडमी एंड आई लिव इन फ्रॉम पाल्या। ओके, जर्नल लेजर, विच वन इज प्राइमरी बुक? जर्नल इज अ प्राइमरी बुक। लेजर इज सेकेंडरी? यस सर। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर? जर्नल इज अ प्राइमरी बुक विच शो द ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड द लेजर इज अ बुक विच समराइज एंड क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन इन परमानेंट रिकॉर्ड। ओके, आई परचेस स्टेशनरी, सो बाई स्टेशनरी आप रुपीज 5,000। ओके, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? आई परचेस स्टेशनरी इज डेबिट एंड कैश टू क्रेडिट। आई मीन स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, what is depreciation? The depreciation is a reduction of assets which fall the value with wear and tear. Due to normal wear and tear. Yes, sir. Decrease in the value of assets. Okay. What is trial balance? The trial balance is a statement which show the debit and credit balance of a transaction in the ledger account. Trial balance is a statement which show the debit and credit balance of a ledger account. Okay. Why we prepare trial balance? Because we show the year-ending profit and loss to... No. Profit and loss, for profit and loss we have final accounts. Yes, sir. Hai na? For what purpose we prepare trial balance account? Trial balance. The ledger account, the all the transaction in a ledger account, we show the... In a one column, in a trial balance. Okay, I got the thing that we take all the balances of the ledgers. Yes, sir. In trial balance, and we prepare a statement. Yes, sir. Why we prepare this statement? What is the main purpose behind preparing this statement? Sir, I don't know. Okay. नहीं मानेंगे. मानेंगे सर. Bookkeeping का हिस्सा है बंदर. Bookkeeping. आप जानते हैं bookkeeping और accounting का difference है? Yes, क्या नाम है वैसे आपका? कार्तिक। ओके कार्तिक,
तो जनरल और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं आप? जनरल में हम सर वो रिकॉर्ड करते हैं उसके अंदर सर, जैसे कि मैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, आपकी बुक का नाम भी देखा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग अलग कुछ चीज होगी, वो अलग क्या है? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं आप बताओ? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ एक दो तीन प्रिंसिपल बताओ। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल, लेजर प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल अकाउंट। नहीं 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 बेटे, चलो आप बताओ। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, मॉनेटरी प्रिंसिपल, मॉनेटरी प्रिंसिपल, व्हाट इज सीजीएसटी, फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सी फॉर सेंट्रल, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सब क्यों है, सी जीएसटी एसजीएसटी क्यों है, दो नाम क्यों दे रखे हैं जीएसटी को? सर बोथ आर डिफरेंट एंड द एसजीएसटी जो स्टेट लेवल के वहाँ पे जो टैक्स लगता है उस पे वो डिपेंड है सीजीएसटी, क्योंकि दोनों का ये अमाउंट दोनों में गवर्नमेंट में बढ़ता है, तो कुछ स्टेट जीएसटी स्टेट का है और कुछ हिस्सा सेंट्रल का है। ओके वेल, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या क्या चीज आती है? तीन आइटम बताओ कोई से भी। बोलो जोर से बोलो, तुम बताओ। बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या, कोई भी तीन चीजें जो है उसके नाम बताओ। बैंक, बैंक कैश, कैश और असेट्स में जैसे फर्नीचर मशीन, फर्नीचर मशीन ठीक है, मतलब फिक्स असेट्स वेरिएबल असेट्स ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना? अच्छा ओके, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल मींस व्हाट? द ट्रांजैक्शंस विच मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, द ट्रांजैक्शन आर विच आर रिकॉर्डेड टू क्लासिफाई द अमाउंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इट मीन्स सर जिसमें मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये होता है कि जिसमें भी हमारा बिजनेस के जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इट मीन्स वही चीजें रिकॉर्ड होगी जो मनी में मेजर की जा सकती है। ओके ठीक है, व्हाट इज इनपुट जीएसटी? इनपुट जीएसटी सर, इनपुट जीएसटी होता है जो उस पे टैक्स लगते हैं जीएसटी का और आउटपुट जीएसटी का। तो इनपुट और आउटपुट जीएसटी में डिफरेंस क्या है? सर इनपुट जीएसटी सर जैसे कि सर अपने जो रूरल एरिया में उसमें इनपुट है और आउटपुट सर बाहर जियोग्राफी। सीधी सी बात बताओ, इनपुट जीएसटी कब लगता है, आउटपुट जीएसटी कब लगता है? इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी सर, इनपुट जीएसटी की अगर हम बात करें तो इनपुट जीएसटी कब लगता है कि जब हम कभी भी हमारे देश के अंदर, जैसे कि हमारा देश भारत है, हमारे देश के अंदर अभी हम बेटे तो जीएसटी तो भारत में ही लगेगा बेटे, मैं पूछ रहा हूँ इनपुट जीएसटी कब लगता है और आउटपुट जीएसटी कब लगता है? सर इनपुट जीएसटी कब लगता है, जब इनपुट जीएसटी कब लगता है, जब हम हमारे राज्य के अंदर कुछ व्यापार करते हैं। वो तो राज्य, वो तो सी जीएसटी एस जीएसटी की बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कब लगेगा? चलिए मैं एग्जाम में आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, परचेस करेंगे तब कौन सा जीएसटी लगेगा? कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं तब कौन सा जीएसटी लगेगा? जीएसटी जब परचेस कर रहे हैं और जब सेल कर रहे हैं तब। इनपुट किसको बोलते हैं? परचेस करेंगे तब इनपुट जीएसटी लगेगा, हाँ, सेल करेंगे जब आउटपुट जीएसटी। क्यों? हम परचेस कर रहे हैं तो भी हम जो परचेस कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? इनपुट है ना, इनपुट आएगा ना, हाँ, और जब सेल कर रहे थे वो आउटपुट है, इसलिए इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी। इसमें तक इसमें रॉकेट साइंस जैसी क्या बात हो गई। चलो फिर व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सर डेप्रिसिएशन इज द अकाउंटिंग प्रोसेस क्लासिफाइज समराइज एनालाइज
बेटे मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहे हैं आप बताइए, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज अ बुक इन विच